सूरज की दिशा पता नहीं कैसे चेंज हो गई कि मेरी बहन मेरे लिए चाय, 2 रुपए वाले टोस्ट, मेहमानों वाले बेकरी के सस्ते बिस्किट और मटरी मेरे लिए लेकर आई है। आंखों पर विश्वास ना करते हुए पूछता हूँ कि ये सब किस खुशी में? तो मेरा प्यार है जो कभी कभी बाहर आता है। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और मगर तभी ठीक ठाक बंदा अपनी बहन पागल सॉरी पायल के साथ आता है। राम राम। ठीक ठाक बंदा अपनी बहन को कपड़े दिलाने ले रहा, मगर मेरी बहन भी बहती गंगा में हाथ साफ करने को सोचती है। मगर दिक्कत यह है कि एक बाइक और चार लोग हैं और हमारी इकलौती बाइक से पापा और मम्मी मार्केट गए, तो हम बस उन्हीं का इंतजार करते हैं। मगर इंतजार करते करते 11 से 2 बज जाते हैं। इन्हें लगता है कि इसमें भी मेरी गलती है। आखिरकार मम्मी पापा आ जाते हैं और फिर सट पट फटाफट हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारे अकाउंट की हमारी बहनों द्वारा धड़कनें गिराई जाती हैं। दिल पे पत्थर रखकर ठीक ठाक बंदा अपने कपड़े देखता है, मगर मैं देखता हूं, छूता हूं, फ्री में पहनकर कूल बनता हूं। और यह ठीक ठाक बंदा खाली होता हुआ बिल कटाकर मुंह लटकाकर चल देता है। बाहर आए तो स्वास्थ्य का कवाड़ा करना बनता है। कोई नहीं, घर से कभी कोई बाहर निकल जाए तो भाई होने के नाते इतना तो बनता है। घर आकर देखता हूं कि मम्मी मामा के यहां जा रही है। क्या मतलब आज रात में घर पे अकेला?